इस 2022 में मैं दो ऐसी स्मार्टफोन कंपनीज को जानता हूं जो लिटरली मार्केट को रोक कर रही हैं। उनमें से एक है मोटोरोला और दूसरी है iQOO। 2021 के स्टार्टिंग तक इनकी एग्जिस्टेंस भी है, इसको भी हम नहीं मानते थे। अभी रिसेंटली मोटोरोला के बहुत सारे स्मार्टफोन आए हैं, जिसमें मोटोरोला G52 भी है जो बजट रेंज में आता है। इसका रिव्यू इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा। और बात करें iQOO की तो इनकी 9 सीरीज आई है, जिसमें 9 SE, 9 Pro है और इसी के साथ हमको अभी G6 Pro देखने को मिला है, जिसमें 9 SE का मैं रिव्यू कर चुका हूँ और G6 Pro अभी आना बाकी है। और iQOO के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं वो अपनी प्राइस रेंज में बिल्कुल बेस्ड होते हैं। कहने को Vivo का सब ब्रांड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी फील करवाने नहीं देता है। अब बारी आती है एक और बेस देने की, और वो है iQOO Neo 6। अब ये जो फोन है अराउंड 30,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च होगा और ये 25 मई को, मतलब अराउंड 7-8 दिन बाद इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग क्या कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर आने वाला है, जो अभी के लिए क्वालकॉम का मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर है। तो कुछ तो डेफिनेटली स्पेशल होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेम पूरा बनाए रखो और सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाते रहो। तो सबसे पहले बात करूं इसी iQOO Neo 6 के डिजाइन की, तो वही Neo की सीरीज में जो आपको डिजाइन देखने को मिलता है वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्क्वायर शेप में कैमरा कटआउट है, जिसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल रहा है और ये ट्रिपल रेयर कैमरा का ही काम करेगा, मोटोरोला की तरह नहीं है। आगे की तरफ सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा और इसी के साथ इसकी फ्लैट डिस्प्ले होगी और आपको राउंडेड एजेस देखने को मिलेंगे। 190 ग्राम का स्मार्टफोन होगा और 8.5 mm की थिकनेस पे होने वाला है। तो ना हल्का ना भारी, तो ऑलमोस्ट जैसे फोन्स आपको देखने को मिलते हैं 4700 mAh की बैटरी के साथ, वैसा ही इसका कुछ वेट होने वाला है। लेकिन लुक में जैसे वीवो के स्मार्टफोन बेस्ड होते हैं, और ये ओबवियस सी बात है वीवो का सब ब्रांड है, उसी की सब्सिडरी में बनकर रेडी होता है, तो वही डिजाइन आप एक्सपेक्ट करके चलो। और ये जो है वो चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा ही होने वाला है। और अब बारी आती है डिस्प्ले की। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 6.62 इंचेस की E4 AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी विद 1300 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस के साथ, और इसके साथ 85.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ 120 हर्ट्ज पे डिस्प्ले काम करती है। और इसके साथ वाइड वाइन L1 और HDR10+ जैसे सर्टिफिकेशन आपको मिल ही जाते हैं। और स्पेशल चीज ये है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है। Xiaomi की तरह यहाँ पे वो साइड माउंटेड नहीं चिपकाया गया है। तो ऑलराउंडर अब तक इन टर्म्स ऑफ लुक और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले दोनों में ही ये डेफिनेटली किल करेगा 30,000 के सेगमेंट। और उसके बाद बारी आती है इसकी ताकत की, इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 जो 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बन के रेडी हुआ है। और कहने को चाहे स्नैपड्रैगन 888 इससे ज्यादा पावरफुल है, 8 जनरेशन 1 इससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन 870 जो है वो मोस्ट कंसिस्टेंट प्रोसेसर है। इसमें भी आपको मैक्सिमम सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं ड्यूरिंग गेम्स, और यहाँ पे ये जो है ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। क्योंकि मैं बताऊँ जैसे स्नैपड्रैगन 888 प्लस जो है ना, उन्हीं के नोड पे बन के रेडी हुआ है स्नैपड्रैगन 870। अब उसमें कुछ असूदियाँ आती जाती हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो वो वाली चिप जो है वो 870 के ऊपर बना दी जाती है। ये 3.2 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पर बनी हुई है, ऑल दो जो स्नैपड्रैगन 888 है वो 2.8 GHz पे बना हुआ है। तो यहाँ पे सुनने में ऐसा लगेगा कि जो स्नैपड्रैगन 870 है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन मोस्ट कंसिस्टेंट है। और ये चीज़ डेफिनेटली सिद्ध हो जाती है पुराने आए हुए स्मार्टफोन से। ऑल्दो आगे आने वाले जो स्मार्टफोन हैं जैसे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्लस या फिर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 होगा, वो अगेन TSMC मैन्युफैक्चर करेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बार के जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होंगे वो हीट नहीं करेंगे। जब तक ये सैमसंग बना रहा था तब तक ये चीज़ आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अभी के लिए स्नैपड्रैगन 870 बिल्कुल बेस्ट है और वही सेम प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ 8GB 128GB 8GB 256GB और 12GB 256GB के रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट होंगे। और ये UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज होने वाले हैं, मतलब निहायत फास्ट, और इसी के साथ LPDDR4X बेस्ड रैम। तो जैसे iQOO के स्मार्टफोन गेमिंग सेंट्रिक होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस बीस्ट, तो यहाँ पे बिल्कुल वही पीढ़ियों को कायम करने वाली परंपरा चालू रहेगी। और इसी के साथ ये फनटच OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। और बात करूँ कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है और प्राइमरी सेंसर OIS के साथ आपको देखने को मिलता है। और इसका OIS सिर्फ फोटोज के लिए नहीं, वीडियोस के लिए भी होता है। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलता है। इस मामले में सबसे बेस्ट काम जो करता है वो मोटोरोला करता है। अल्ट्रा वाइड में भी आपको मैक्रो देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी सच में बहुत कमाल की होती है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देने का कोई मतलब डेफिनेटली नहीं बनता है। लेकिन स्टिल आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो दिया जा रहा है और ये 4K 30 FPS पे मैक्स रिकॉर्ड कर सकता है। और फ्रंट की साइड आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी जो अगेन 1080p 30 FPS पे काम करने वाले हैं। मतलब दोनों तरफ भी 60 FPS का कोई झोल ही नहीं रखा भाई। और उसी के साथ कुछ चुनिंदा चीजों की बात करें तो कहने को ये भी गेमिंग डिवाइस होगा लेकिन इसमें 3.5mm का जैक नहीं होगा और ना ही आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो। तो आपको ये पूछोगे ये है क्या। फिर इसमें NFC आपको देखने को मिलता है, ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे और वाईफाई 6 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाए Xiaomi की तरह। ये 4700 mAh की बैटरी को लेकर आता है जो इस वक्त के लिए डेफिनेटली बड़ी है जब सारी ब्रांड्स 4000 या फिर 4500 mAh पे वापस आ चुकी हैं। और ये 80 वोट की फ्लैश चार्जिंग को भी लेके आएगा और चार्जर इन द बॉक्स पर। उसका जो लॉन्च है वो आपको 25 मई को देखने को मिलेगा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और प्राइसिंग जो होगी वो अराउंड 30,000 आपको देखने को मिलेगी। अब 30,000 से आगे इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि इनका जो iQOO 9 SE है जो Snapdragon 888 के साथ आता है वो आफ्टर डिस्काउंट 31,000 का मिलता है और 31,000 के नीचे तो भाई 30,000 ही आता है। तो डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में ये जो फोन है वो बिल्कुल बेस्ट हो सकता है इतने सारे स्पेसिफिकेशन को देखते हुए। और iQOO की जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो भी Vivo से ही इंस्पायर्ड होती है तो डेफिनेटली ये भी बेस्ट होने ही वाली है। तो दैट्स ऑल यार, यही है कहानी इसी iQOO Neo 6 की जहाँ पे बहुत कुछ स्पेशल है। बाकी वेट है 25 मई का और बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए।